देश का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क। मध्य प्रदेश सरकार धार जिले के पीथमपुर में भारत का पहला महिला इंडस्ट्रियल पार्क बनाने जा रही है। इस पार्क में सिर्फ महिलाओं को व्यवसाय के लिए जगह दी जाएगी। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 7 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए छतरपुर जिले के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को चुना गया। मध्य प्रदेश के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास के विभाग में झाबुआ जिले का चयन किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए बड़वानी जिले का चयन किया गया। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिधि योजना में निवाड़ी जिले का चयन किया गया है। सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम में बुरहानपुर जिले का चयन किया गया। मध्य प्रदेश गौरव सम्मान पर्यावरण एवं जल संरक्षण श्रेणी में नर्मदा समग्र भोपाल वीरतापूर्ण कार्य के लिए हॉकफोर्स। सामाजिक सुधार श्रेणी में मध्य प्रदेश गायत्री परिवार। महिला एवं बच्चों का विकास श्रेणी में सेवा भारती, जन भागीदारी और सामुदायिक प्रबंधन की व्यक्तिगत श्रेणी में विजय मनोहर तिवारी और संस्थागत श्रेणी में 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन इंदौर। शिक्षा एवं खेलकूद के क्षेत्र में व्यक्तिगत रूबीना फ्रांसिस। संस्थागत श्रेणी में सरस्वती शिक्षा परिषद। स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में व्यक्तिगत श्रेणी में विनायक लोहानी व संस्थागत श्रेणी में आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और जन सेवा के क्षेत्र में आरुषि संस्था भोपाल को प्रदान किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 7 नवंबर 2022 को जारी की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। मध्य प्रदेश का पहला सरकारी स्कूल जिसका अपना रेडियो स्टेशन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित शासकीय सरोजनी नायडू कन्या स्कूल प्रदेश का पहला ऐसा विद्यालय है जहां रेडियो स्टेशन खुला है। इसमें छात्राएं ही अनाउंसर, समाचार वाचक, रेडियो जॉकी की भूमिका निभा रही हैं और इसमें मुख्यतः स्कूल के कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। 800 साल पुरानी भगवान कुबेर की मूर्ति। मध्य प्रदेश बड़वानी जिले में खुदाई के दौरान 800 साल पुरानी भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है। इतिहासकारों के अनुसार खुदाई में मिली यह प्रतिमा करीब 800 साल पुरानी परमारकालीन है। दोस्त अभियान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में दिव्यांग बुजुर्ग मरीजों को सहूलियत प्रदान करने के लिए दोस्त दिव्यांगजन ओरिएंटल स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्त अभियान को DOST दिव्यांगजन ओरिएंटल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन एम्स भोपाल नाम दिया गया है। क्रिकेटर सौम्या तिवारी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मध्य प्रदेश की क्रिकेटर सौम्या तिवारी को 13 से 19 नवंबर तक विशाखापट्टनम में हुए चतुष्कोणीय टूर्नामेंट के लिए इंडिया ए की उप कप्तान नियुक्त किया है। सौम्या तिवारी का संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से है। जबलपुर के मोहम्मद निजामुद्दीन जबलपुर के पहले ऐसे हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें इंग्लिश नेशनल लीग हॉकी डिवीज़न 1 कंपटीशन में खेलने का मौका मिला। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना। 9 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना लागू करने की अनुमति दी गई। इस योजना के तहत सरकारी राशन दुकानों पर राशन की सप्लाई ठेकेदार की जगह युवा बेरोजगारों को दी जाएगी, जिससे युवा बेरोजगारों की मदद होगी। भिंड जिले की पैरा क्याकिंग खिलाड़ी पूजा ओझा। पैरा चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता खिलाड़ी पूजा ओझा को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा
राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी खेल के लिए चयनित किया गया। पूजा ओझा को यह सम्मान 3 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दिया गया। नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम NCERT ने नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम तैयार कर सभी राज्यों को भेजा है, जिसे लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में नर्सरी से दूसरी कक्षा के बच्चे बिना कॉपी किताब शिक्षा प्राप्त करेंगे। G20 सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। PM स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल। PM स्वनिधि योजना में अभी तक मध्य प्रदेश में 6 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को ऋण वितरित किया जा चुका है। जनजातीय गौरव दिवस समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नवंबर 2022 को शहडोल में जनजाति गौरव दिवस समारोह के मंच से नियमावली का विमोचन किया एवं पैसा एक्ट लागू किया। पैसा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य बन गया है। इससे पहले 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ने पैसा कानून बनाए हैं। मोगली महोत्सव। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार मोगली बाल महोत्सव 2022 का प्रदेश स्तरीय आयोजन पेज नेशनल टाइगर रिजर्व पार्क में 18 नवंबर 2022 को कलेक्टर डॉक्टर हरिदास फटिंग एवं वन अधिकारियों के मार्गदर्शन में मोगली महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश भर के लगभग 400 छात्र छात्राएं तथा शिक्षक प्रतिभागी शामिल हुए। धार जिले के बाग गांव के मशहूर शिल्पकार मोहम्मद यूसुफ खत्री। धार जिले के बाग गांव के मशहूर शिल्पकार मोहम्मद यूसुफ खत्री को हस्तकला में डाक टिकट छपाई के लिए भारत के सर्वोच्च शिल्पकार पुरस्कार शिल्प गुरु से सम्मानित किया गया। वहीं धार जिले के बाग कस्बे के युवा मास्टर शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय हस्तकला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुलबुल पांजरे। इंदौर की रहने वाली बुलबुल पांजरे इंदौर नगर निगम के स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के प्रचार प्रसार की पहली मूक बधिर ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। वे अब साइन लैंग्वेज और इशारों के जरिए इंदौर शहर के अलावा दुनिया भर में स्वच्छता का संदेश देंगी। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। खंडवा में 13 अक्टूबर को मध्य प्रदेश शासन की संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2019 पटकथा के लिए अशोक मिश्रा को, वर्ष 2020 गीत लेखन के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को एवं वर्ष 2021 निर्देशन के लिए विवेक रंजन अग्निहोत्री को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित सबसे अधिक ग्राम वाला जिला भिंड है, जहां से 68 ग्रामों का चयन किया गया है। बटरफ्लाई फेस्टिवल। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर एक जिला एक उत्पाद के तहत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम द्वारा 1 से 6 नवंबर तक पनारपानी गार्डन पचमढ़ी एवं परसापानी नर्मदापुरम में बटरफ्लाई फेस्टिवल मनाया गया। रत्नेश पांडे। मध्य प्रदेश के सतना जिले के पर्वतारोही रत्नेश पांडे को दिल्ली स्थित भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया मिशन का चैंपियन घोषित किया गया है। रत्नेश पांडे मध्य प्रदेश से एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें चैंपियन बनने का गौरव मिला है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सिंगल लेन रेलवे टनल। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सिंगल लेन रेलवे टनल बनकर तैयार है। 3.33 किलोमीटर लंबी सुरंग रीवा के गोविंदगढ़ में चुहिया घाटी को काटकर बनाई गई है। सुरंग रीवा और सीधी के बीच ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन पर है। लाडली लक्ष्मी पथ। 2 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में भारत माता चौराहे पर लाडली लक्ष्मी पथ का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 52 जिलों में
लाडली लक्ष्मी पथ विकसित किए जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची प्रतिमा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची प्रतिमा सागर के अटल पार्क में स्थापित होगी। फ्रांस में एमपी डे मनाया गया। टूरिज्म बोर्ड द्वारा भारतीय दूतावास पेरिस के सहयोग से 23 सितंबर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में मध्य प्रदेश दिवस एमपी डे मनाया गया। देश का पहला संविधान पार्क मध्य प्रदेश के देवास जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लगभग 6 करोड़ की लागत से संविधान पार्क का निर्माण किया जाएगा। करीब 25,000 वर्ग मीटर में यहां 22 ऐसी मूर्तियां लगाई जाएगी जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है। रातापानी सेंचुरी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित रातापानी अब देश की पहली ऐसी सेंचुरी बनने जा रही है जहां अब वन्य प्राणियों के लिए अस्पताल भी होगा। सेंचुरी में वेटनरी डॉक्टर समेत पूरी टीम की नियुक्ति की जा रही है। यहां घायल शाकाहारी और मांसाहारी वन्य प्राणियों के लिए अलग अलग बाड़े बनाए जा रहे हैं। डिजिटल एड्रेस वाला देश का पहला शहर। इंदौर देश का पहला और विश्व का दूसरा शहर होगा जहां सारे पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगे। इंदौर स्मार्ट सिटी कंपनी ने इस संबंध में 12 सितंबर को शहर के स्टार्टअप पता नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ MOU किया है। अभी तक अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिजिटल पते का इस्तेमाल कर ड्रोन के माध्यम से सामान की डिलीवरी की जाती है। मध्य प्रदेश को चीता स्टेट का दर्जा मिला। मध्य प्रदेश टाइगर तेंदुआ और घड़ियाल के बाद चीता स्टेट भी बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 सितंबर को नामीबिया से लाए गए 8 अफ्रीकी चीतों को क्रूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। एक पायलट प्रोग्राम के रूप में प्रोजेक्ट चीता को भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी 2020 में सहमति मिली थी। सत्येंद्र सिंह लोहिया। 20 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया आयरलैंड में नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। सत्येंद्र सिंह ने 36 किलोमीटर के नॉर्थ चैनल को 14 घंटे 39 मिनट में पार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया ने पूर्व में इंग्लिश और कैटरीना चैनल को पार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश की पहली सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी आत्महत्या रोकथाम नीति लाने जा रहा है। इस पॉलिसी का निर्माण चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य। मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश प्रथम। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नशा मुक्ति अभियान में मध्य प्रदेश प्रथम। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कराई गई ग्रेडिंग में मध्य प्रदेश नशा मुक्ति अभियान में देश में पहले नंबर पर, वहीं मध्य प्रदेश के दतिया जिले को भी देश में पहला नंबर मिला। बाल नशा मुक्ति के लिए जबलपुर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बच्चों में नशीले पदार्थों एवं मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम की दिशा में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में जबलपुर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार गिद्धों की GPS टैगिंग। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों के व्यवहार और निवास के मामले में प्रामाणिक जानकारी जुटाने में देश में पहली बार गिद्धों को पकड़कर GPS टैगिंग की गई। भारत में उपलब्ध गिद्धों की 9 प्रजातियों में से 3 प्रजाति संकटग्रस्त हैं। इनमें से 7 प्रजाति पन्ना टाइगर रिजर्व में उपलब्ध हैं। प्रदेश का दूसरा मदर मिल्क बैंक। मध्य प्रदेश के इंदौर के MTH अस्पताल में प्रदेश के दूसरे मदर मिल्क बैंक की शुरुआत की गई। इससे पहले भोपाल के जिला अस्पताल में ऐसा बैंक संचालित हो रहा है।
प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया। प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल MITS इंजीनियरिंग कॉलेज में खोला गया है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी। विश्व की पहली वैदिक घड़ी चैत्र प्रतिपदा 2 अप्रैल को मध्य प्रदेश के उज्जैन में टावर चौक पर स्थापित की गई। इसमें ग्रीनविच टाइम जोन के 24 घंटों को 30 मुहूर्त में विभाजित किया गया है। इस घड़ी को मोबाइल और टीवी पर भी सेट किया जा सकेगा। इसके लिए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा।